वेलकम टू माई चैनल मैम मास किचन। वन सेकेंड, आज मैं आप लोगों के साथ देसी चिकन करी का रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसमें मसाला मिनिमम है, इसका स्वाद ही काफ़ी होता है इसको टेस्टी बनाने के लिए। सो लेट्स मूव टू माई मास किचन टू प्रिपेयर देसी चिकन करी। देसी चिकन करी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक लोहे का कढ़ाई को गर्म करेंगे और उसमें 2 बड़ी चम्मच मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल गर्म करेंगे। देसी चिकन को हमेशा मस्टर्ड ऑयल में बनाने के लिए मैं रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि ये मस्टर्ड ऑयल में बहुत ही अच्छा बनता है। तेल गर्म हो जाने पर हम तेल को कढ़ाई में पहले फैला देंगे और उसके बाद इसमें 1 तेज़पत्ता और 1 हरी मिर्च स्लिट करके ऐड कर देंगे। करीब 10 सेकेंड्स बाद हम एक बड़ा सा प्याज छोटे छोटे टुकड़े में काट करके फिर ऐड कर देंगे। प्याज को बस हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन या ब्राउन करके नहीं भूनना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए ही भूनना है। 1 मिनट बाद हम इसमें 1 छोटी चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे भी प्याज के साथ सिर्फ 1 मिनट के लिए भून लेंगे। देसी चिकन का एक यूनिक फ्लेवर होता है, अपना स्वाद ही उसको ज़्यादा स्वादिष्ट बनाता है, इसलिए हम मसाला को ज़्यादा नहीं भूनेंगे, नहीं तो चिकन से ज़्यादा मसाला का टेस्ट आ जाएगा। अब हम इसमें 1 मीडियम साइज का टमाटर काट करके ऐड कर देंगे। टमाटर को भी 1 मिनट के लिए भूनेंगे। अब हम कढ़ाई में चिकन ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 किलो देसी चिकन लिए हैं और इसके साथ एक बड़ा सा आलू 4 टुकड़े में काट करके ऐड कर देंगे। आलू ऑप्शनल है, पर देसी चिकन करी में आलू हमें बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम कढ़ाई में 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और इसके साथ स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। लाल मिर्च हम ऐड करेंगे करीब 1/2 छोटी चम्मच, ये ऑप्शनल है, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। अब चिकन को प्याज लहसुन अदरक टमाटर और आलू के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हाई फ्लेम पर सिर्फ 5 मिनट के लिए भून लेंगे। चिकन को भूनने के टाइम पर फ्लेम को हाई पर ही रखें, इससे क्या होता है चिकन के अंदर का जो जूस है वो अंदर ही इंटैक्ट रहता है और चिकन बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। देसी चिकन बनाने का ये एक ट्रिक है, हमेशा चिकन को पहले 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाएं और उसके बाद लो फ्लेम पर इसे कुक होने दें। तो हम ऐसे बीच बीच में चम्मच को चलाते हुए चिकन को 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो हमने 5 मिनट के लिए चिकन भून लिए हैं। अब हम इसमें करीब 1 ग्लास गर्म पानी ऐड कर देंगे। मिक्स कर देंगे। दोस्तों आपने देखा इसमें मैं कोई भी एक्स्ट्रा मसाला जैसे जीरा धनिया वगैरह कुछ भी नहीं ऐड की है। ये बहुत सारे एक्स्ट्रा मसालाज ऐड करने पर क्या होता है, जो चिकन का असली एक बहुत ही अच्छा स्वाद है वो मिट जाता है। इसलिए देसी चिकन को हमेशा मिनिमम मसाले के साथ ही पकाएं और इसका जो एक यूनिक स्वाद है उसका मज़ा लें। अब इसे बॉयल होने देंगे और एक बार उबाल आ जाए तो हम चिकन को ढक देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो पर रखेंगे। चिकन को अब हम 20 मिनट के लिए पकने देंगे। 20-25 मिनट बाद हम ढक्कन को खोलेंगे। ये देखिए चिकन बन गया है। अब हम इसमें करीब 2 बड़ी चम्मच कटी हुई धनिया पत्ता ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। ये गरम मसाला घर पे बनाई गई है। इसमें छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी और काली मिर्च इक्वल क्वांटिटी में रोस्ट करके फिर पीस लिए गए हैं। अब 1 चम्मच चीनी भी ऐड कर देंगे, चीनी ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। और अब 1 चम्मच घी भी ऐड कर देंगे। देसी चिकन करी में घी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे।
मिक्स कर दिए हैं। अब फ्लेम को हम फिर से हाई कर देंगे और चिकन में एक उबाल आने देंगे। अच्छे से हम चिकन का जो ये झोल है, जो चिकन कारी है, इसे हम झोल बोलते हैं, इसे हम अच्छे से एक मिनट के लिए उबालेंगे। ये देखिए आलू सॉफ्ट हो गया है, आलू को भी हम चेक कर लिए हैं, मतलब चिकन भी 100% पक गया है। आप कढ़ाई को ढक देंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। सिर्फ 5 मिनट के लिए हम कढ़ाई में चिकन को ऐसे ढके रहने देंगे और उसके बाद इसे सर्विंग बोल में शिफ्ट कर देंगे। लोहे का कढ़ाई में अगर चिकन ज़्यादा देर तक रहे तो उसमें एक लोहे का स्मेल आ सकता है, इसलिए हम 5 मिनट से ज़्यादा इस कढ़ाई में इसे रखेंगे नहीं। फ्लेम बंद करने के बाद 5 मिनट ही रखेंगे और उसके बाद इसे हम एक सर्विंग बोल में शिफ्ट कर देंगे। एट लास्ट हम चिकन का ये जो झोल है ये भी सर्विंग बोल में डाल देंगे। तो ये हमारा देसी चिकन करी बनकर तैयार हो गया है। लग रहा है ना ये लाजवाब? आपने देखा इसमें मसाला बिल्कुल कम है, इसे चावल या रोटी किसी के साथ भी खाया जा सकता है। स्वाद में ये बहुत ही अच्छा होता है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, अपना किचन में ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग माई मस्त किचन।